पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से पैसा निकालने के लिए एक नए नियम बनाए हैं। आपको बता दें, अब पैसा निकालने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। बता दें, अगर NPS सब्सक्राइबर इन डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो वो NPS से पैसा नहीं निकाल पाएगा। वहीं आपको बता दें, ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन दस्तावेजों को जमा कराने के लिए किसी ऑफिस में नहीं जाना होगा और ये काम ऑनलाइन हो जाएगा। दरअसल PFRDA द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि NPS खाता धारकों को अब KYC दस्तावेज देने ही होंगे। PFRDA ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबरों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दस्तावेज संबंधित सेंट्रल रिकॉर्ड कॉपिंग एजेंसी यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए जाएं। वहीं अगर इन डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की गलती पाई जाती है तो नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा रुक सकता है। अब NPS सब्सक्राइबर को NPS विड्रॉल फॉर्म, बैंक अकाउंट प्रूफ, विड्रॉल फॉर्म में पहचान है और पते का प्रमाण और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। साथ ही पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रॉल फॉर्म में जानकारी भरी होनी चाहिए। इन दस्तावेजों के पहले से ही अपलोड होने के कारण नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के बाद एन्यूटी पेमेंट सब्सक्राइबर्स को आसानी से और जल्दी मिल जाएगी।